पापा, आज मैं आपके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आई हूँ, ना ही आपसे कोई सवाल करूंगी और ना ही ये पूछूंगी कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया। क्योंकि जब आपने मेरे साथ अच्छा किया, मेरी लाइफ खुशियों से भर दी, तब भी मैंने नहीं पूछा था। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे कि आप मेरी फैमिली को सेफ रखें, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मेरी फैमिली को कोई तकलीफ मत पहुंचने देना। और हाँ बाबा, अगर हो सके तो ताई को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। बस इतना ही चाहती हूँ मैं आपसे, और कुछ नहीं। ये बाबा हो गया क्या? ये किस चोरी करने को बोली है मैं? तू क्या 10 चोरी की मदद मांगेगी अभी बप्पा से? मुंह मीठा कराएगी मैं तेरा, मन से काम कैसा भी हो पर है तो बड़ा ना, अनि मैं कैसे भी हूँ, हूँ तो तेरी दादी। ले, फिर तेरे को दही साकर खिलाए बगैर कैसे भेज सकती थी अकेले जंग लड़ने के वास्ते? अभी जा, हुँ? और सुन, चालाकी नहीं, नहीं। ये नक्शा क्या तेरा बाप लेके जाएगा? गुड लक बोल सकता है? देखो अबीर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे फेथ रखो। फेथ कैसे रखो? आप देख रहे हैं ना कितना कुछ हो रहा है हमारी फैमिली के साथ, खुशी के साथ। इट्स टू मच एंड कहीं ना कहीं आई फील आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। गलती मेरी ही है। अबीर ऐसा नहीं बोलते। तो और क्या बोलूं डैड, क्या बोलूं? मेरी खुद की माँ खुशी की जिंदगी मुसीबत में डाल दी उन्होंने, और खुशी हमारे परिवार के चक्कर में वहां पे चली गई। शेम ऑन। अरे कैसा हस्बैंड हूं मैं? मैंने अपनी बीवी को आगे कर दिया, अपनी खुद की बीवी को। मैं जिस पे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं यहां पे बैठा हूं हाथ पे हाथ रख। शेम ऑन मी, आई एम सच अ लूजर। नहीं, यू आर नॉट अ लूजर। ये बाबा, अभी तू अंदर चिल्ला रहा था बीपी लो, शुगर हाई, पता नहीं ऐसा कुछ सब बोल रहा था। देख, मेरी गोली से मरेगा मेरे को चलेगा, खाली पेट मरेगा ना, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। चल खा फटाफट। नहीं, एक्चुअली इस खाने में नमक है, आप चाहे तो चख के देख सकती हैं। एक्चुअली डैड तो खाने में नमक नहीं खाते, इसीलिए वो मुझे अभी रियलाइज हुआ। मैं फटाफट किचन जाता हूँ, दोबारा खाना बना के लेके आता हूँ। ओके, रुकना बाबा, एक दिन नमक खाएगा तो मरने नहीं वाला है, समझा ना? खा। नहीं सीरियसली, उनका बीपी हाई हो जाता है, आप समझिए बात को। एक मिनट, अभी ठीक कह रहा है, नमक से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बहुत हमदर्दी जाग रही है तेरे को तेरे पति के वास्ते। हाँ तो फिर एक काम कर, ये प्लेट उसको दे, तू इच खाना शुरू कर, तेरे को आएगा मजा। ले ले ले। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरे को नहीं, अपने लाडले से पूछ। जास्ती श्याणा बन रहा है ना मेरे सामने? अभी फटाफट बता दे तेरी माँ को कि इस खाने में तूने क्या मिलाया है, नींद की गोली या जहर? नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, व्हाट? अरे क्या रे, मेरे को अपने ससुर की तरह येड़ा समझता है तू? चाइला तू कुछ भी बोलेगा और ताई चुपचाप मान लेगी? चक्का वत मेरे साथ शान पट्टी कर रहा है,
ताई है मैं, ताई। ये जो करतूत तूने किए ना, ऐसी हरकतें मैं अपने बचपने में करती थी अपनी माँ के साथ। नरेश देख वो रचुआ। अरे मैंने बोला था ना तुझे, आ अब चल जल्दी चल, लास्ट ओवर बचा है। चल 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 अब जल्दी जल्दी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज पापा मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। कोड नंबर तो पूरा दिख ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? पापा आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। अगर मैंने गलत नंबर दबा दिया तो अलार्म बच जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले मुझे वो लॉकर ढूंढना है जो पापा ने बताया। ये हम लोग मैच जीत गए। अरे मुझे पहले ही पता था कि इंडिया को तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये मेरा मोबाइल कहाँ गया है? लगता है अंदर ही रह गया है। हाँ मैं देख के आता हूँ। हाँ। पापा अब सब कुछ आपके हाथ में, आपको ही मेरी फैमिली को बचाना है। ये एड़े किधर पहुंची है बताना मेरे को। कनेक्शन कुछ ठीक नहीं है ताई, लगता है वो गाड़ी बहुत तेज चला रही है इसलिए लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा। हाँ इतना जरूर है वो बैंक से निकल चुकी है। ए, गाड़ी ये है ना, रुकी पड़ी है इसकी गाड़ी। पता लगा किधर रुकी है, अनिकाई को रुकी है ये खुशी। क्योंकि मैं आ गई हूं ताई। खुशी तू जाए यहाँ से, बम लगा हुआ है, तू जाए यहाँ से। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब बच के कहाँ जाओगी तुम? किसने बोला? पहले मम्मी तो तेरी खोपड़ी में ये गोली भी डालेगी अनी, इधर से गायब भी होगी।